है क्लेशर। तो आज हम लोग देखेंगे टाउन हॉल 15 के ऊपर सुपर पोलर का स्मैश। और ये जो आर्मी है ये बहुत ही तगड़ा आर्मी है। वैसे इस अटैक को अभी परफॉर्म कर रहा है चिप दिफ, और ये हम लोगों का क्लैन का ही बंदा है और बहुत ही तगड़ा अटैक करता है ये बंदा। तो वार्डन उसने वर्क चालू कर दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपना जो फ्लेम फिंगर है उससे फनल करने के लिए ट्राई कर रहा है। तो नीचे की तरफ से डाउन साइड जो है ना अपना फ्लेम फिंगर डाल दिया ताकि एक्सेस ले जाए, और ट्राई करेगा बंदा कि टाउन हॉल को अगर फ्लेम फिंगर से टेक डाउन कर पाए। फ्लेम फिंगर की गाइस रेंज बहुत ज़्यादा रहता है, इसके वजह से पॉसिबल है कि टाउन हॉल को भी टेक डाउन करा जाएगा फ्लेम फिंगर की मदद से। वार्डन अपने साइड से जो पैनल है वो प्रॉपर क्रिएट कर चुका है, और फ्लेम फिंगर के साथ एक बेबी ड्रैगन डाला गया था कि जो अनचाहा बिल्डिंग्स है उसको भी डैमेज करके प्रॉपर फनल जो बन जाए। वॉल ब्रेकर से एक वॉल ब्रेक कर दिया, क्वीन को डाल दिया ताकि इस तरफ जो है अपना पुश करा जाएगा कोर पे। तो क्वीन वार्डन को लेके आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ से अपना किंग जो है किंग को डाला गया है। फ्लेम फिंगर जा रहा है स्कैटर की तरफ, दो जंप डाला गया है गाइस, दो जंप डाला गया है। लेकिन एक बात है नोटिस करने वाली, वो है टाउन हॉल के ऊपर ट्रूप्स को पुश नहीं करवाया गया है, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। एक एनिमी क्लैन के चलते लावा हॉर्न निकल चुका है, इसके साथ निकला एक ड्रैगन जो कि बहुत दिक्कत दे रहा है। लावा हॉर्न वैसे डाउन हो चुका है, ड्रैगन अभी तक डाउन नहीं हुआ, और इस जगह पे ऐसा भसर मचा हुआ है कि फ्रिज की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। आर्थिक को उतरा गया है डिगी के साथ दूसरे साइड में, जो कि स्केटर को करेगी टारगेट, और स्केटर ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं इस वाले आरसी को। वैसे टाउन हॉल अपना डाउन हो चुका है, क्वीन जो है एनिमी क्वीन बहुत दिक्कत दे रहा है, अपना क्वीन को डाउन कर दिया। विचेस है, विच जो है वो अपना एक एक्सपो है इसको टारगेट कर रहा है, और अपना जो है किंग बहुत ही लो एचपी के साथ बचा है। डिगी जो है बहुत मदद कर रहा है। वीडियो को थोड़ा करते हैं फर्स्ट फ्लोर, वैसे एक विच जो है एक्सपो को मार रहा है, तो होप इस विच इजीली एक्सपो को टाउन कर दे। और देखते देखते बस क्लीनअप भी बचा है इस बेस का, बलून था एक इसको उतार दिया गया है, और सारा ट्रूप जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। प्रोस्टी जो है अच्छा खासा वैल्यू निकल के दिया, और किसी तरह ये जो बेस है वो हो चुका है 3 स्टार। तो ये जो बेस है ये बेस है रिंगसा बेस, और इसमें करा जाएगा वार्डन वर्क, और दूसरी साइड से अपना फ्लेम फिंगर, तो सेम प्रोसेस है। तो एक जगह पे चार विजर टावर रखा गया है, तो चारों को वार्डन जो है इजीली टेक डाउन कर लेगा, और दूसरी साइड पे जो एक इन्फर्नो है सिंगल इसको भी आराम से ले लेगा अपना स्कैटर शॉट। उसके बाद देखते हैं, फनल फिलहाल बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है सिनेरियो। फिलहाल दो अपना विजर टावर जो है वो डाउन हो चुका है, और लगभग मोटर जो है वो टारगेट कर रहा है फ्लेम फिंगर को। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि फिलहाल फ्लेम फिंगर का जो एनिमी है मोटर है और ग्राउंड एक्सपोज है। मूनलाइट का भी रेंज बहुत अच्छा है, जो कि पकड़ लेता है अपना फ्लेम फिंगर को, और इस जगह का फनल बन चुका है, देख सकते हो टारगेट कर दिया है वार्डन ने अपना ईगल पे। और ईगल अगर डाउन हो जाए तो गाइस बहुत अच्छा वैल्यू जो है निकलेगा, और वार्डन और अपना फ्लेम फिंगर की मदद से ऑलमोस्ट 17% का जो अपना वैल्यू है वो मिल चुका है। और देख सकते हो थोड़ी सी हेल्थ के साथ बचा है अपना ईगल। ईगल गाइस हो चुका है डाउन किंग के मदद से, वार्डन को थोड़ा टॉप साइड पुश करा जा रहा है। क्वीन डाल दिया गया है और दो आइस गोलेम डाल दिया गया है। एनिमी किंग जा रहा है किंग को मारने के लिए, एक हेड हंटर डिप्लॉय करना ज़रूरी था इस जगह पे, लेकिन बंदा अभी तक डिप्लॉय नहीं कर रहा है। एक जंप स्पेल डाल दिया गया है जो कोर पे जो एक्सेस मिल चुका है, और दूसरा जंप अभी होल पे है। आइस गोलेम के वजह से एक फ्रीजिंग इफेक्ट मिला बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, और रेज भी डाल दिया गया है, और किंग को अभी दिया जाएगा एबिलिटी, उसके बाद अपना जो है। और इनविजिबिलिटी टावर जो है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। वार्डन को एबिलिटी कर दिया गया है टाउन हॉल जो है ना 1 HP के साथ, और टाउन हॉल हो चुका है डाउन, स्केटर हो चुका है डाउन। लावा निकला क्लैन के सेल से जो कि क्वीन टेक डाउन कर लेगा, लावा पॉप निकल चुके हैं, और दूसरी तरफ से अपना आरसी को टेक डाउन कर गया है, डाउन कराया गया है, और फ्रीज डाल दिया गया है एनिमी सिंगल इन्फर्नो पे, और एक फ्रीज डाल दिया गया है सिंगल इन्फर्नो पे, और अपना आरसी जो है वो सिंगल इन्फर्नो को निकल लेगा। इधर और एक सिंगल इन्फर्नो है डाउन साइड पे जो कि वार्डन को पकड़ लिया। वीडियो को थोड़ा करते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड, और होप इस वाले इन्फर्नो को जल्द से जल्द टेक डाउन कर ले, वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। और आरसी आके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये जो बेस है ये हो चुका है 3 स्टार। तो चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ।
ये जो बेस देखने को मिला, ये बेस भी रिंग सा बेस है, थोड़ा अलग ही बेस है। तो हम लोग करेंगे इसमें भी अटैक और देखेंगे इसको कैसे टेक डाउन करा जाता है इजी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप साइड में वार्डन वॉल करेंगे और उसके बाद अपना जो फ्लेम फिंगर है इसको इसके मदद से थोड़ा बहुत लेंगे, या फिर अपना बैटल ब्लिम छोड़ देंगे टाउन हॉल पे। फिलहाल कोर पे टाउन हॉल है तो ट्राई करेंगे बैटल ब्लिम कोर पे ले जाने के लिए। वार्डन को पहले अपना फनल जो है वो क्रिएट करने देते हैं। तो इस जगह का जो फनल है प्रॉपर फनल बन चुका है वार्डन की मदद से। फिलहाल अपना राइट साइड से पुश होगा, राइट साइड के कोने से पुश होगा और एक रेज स्पेल डाल दिया गया है जो अपना ये जो अगर स्टोरेज निकल ले वार्डन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओके स्टोरेज गोस्ट निकल चुका है स्टोरेज और देख सकते हो दो जंप स्पेल डाल दिया गया है इधर। तो टाउन हॉल तक एक्सेस मिल चुका है हम लोगों को। क्वीन आ चुका है, क्वीन की मदद से वार्डन भी पीछे आ चुका है। क्वीन के पीछे किंग को डाल दिया गया है, दो विचेस आएगा अभी तीन विचेस और उसके बाद अपना सुपर बोलर डाल दिया गया है एक आइस गोलेम के पीछे और एक इलेक्ट्रो टाइटन भी है इस आर्मी कॉम्बिनेशन में। और इधर एक रेज आएगा, दो विजेट डाल दिया गया है और अपना बैटल ब्लिम को डाल दिया गया है ताकि इजीली टाउन हॉल जो है उसको टेक डाउन कर ले। वार्डन की एबिलिटी आएगा अभी और बैटल ब्लिम थोड़ा लेट हो गया, वार्डन की एबिलिटी भी नहीं आ पाया जिसकी वजह से गलत लोकेशन पे अपना बैटल ब्लिम जो है वो फंस चुका है। तो क्या ये बेस जो है थ्री स्टार होगा, तो यही देखने वाली बात है। तो एक अटैक पूरी तरीके से हो चुका है फेल फिलहाल और इस फेल अटैक को सक्सेस करना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ऐसे अगर प्लान फेल हो जाए तो गाइस बहुत दिक्कत होता है इसको अटैक को सही करने में। और फिलहाल क्वीन मुझे जहाँ तक लग रहा है जाते हुए टाउन हॉल को, और टाउन हॉल को क्वीन ने कर दिया टेक डाउन। वैसे टाउन हॉल हो चुका है टेक डाउन, इन्फर्नो सारे ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपो स्कैटर सारे ख़त्म, एक एक्सपो बचा है अभी और क्वीन जा रहा है, क्वीन को पकड़ लिया है एक्सपो ने। एक बलून है इसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, आरसी है थोड़ी सी हेल्थ के साथ बचा, इसका एबिलिटी भी ख़त्म हो चुका है। क्वीन जो है वो एक्सपो को टेक डाउन कर लिया और ये जो बेस है हो चुका है किसी तरह थ्री स्टार। चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। ये जो बेस है गाइस ये भी रिंग सा बेस है और इसमें भी सेम तरीके से अटैक करा जाएगा। वार्डन को उतार दिया गया है और अपना फिलहाल वार्डन के साथ अपना फ्लेम फिंगर को डाल दिया गया है ताकि जो इस पल के सेकेंड लेयर का जो फनल है वो मिल जाए। तो वार्डन की मदद करेगा फ्लेम फिंगर तो सेकेंड लेयर में अपना फनल बनाने के लिए। ये जो अगर सिंगल इन्फर्नो मिल जाता है तो फनल मान लो 100% हो चुका है। और ईगल के ऊपर से हम लोगों का जो आर्मी का पुश होगा वो करा जाएगा। वैसे डबल जंप स्पेल यूज़ करा गया है इस वाले आर्मी कॉम्पिटिशन में और एक भी वॉल ब्रेकर नहीं है, एक इलेक्ट्रो टाइटन है। और क्वीन आ चुका है थोड़ा अर्ली और किंग को भी डाल दिया गया है, किंग को पकड़ लिया है सिंगल इन्फर्नो ने, तीन विचेज डाल दिया गया है, एक फ्रीज आएगा और एक स्केल आएगा ताकि जो डिस्ट्रैक्ट बना रहे। दो जंप स्पेल डाल दिया गया है बहुत ही अनोखा लोकेशन पे और सब कुछ अभी फिलहाल बढ़िया जा रहा है। आइस गोलेम पहुंच चुके हैं अंदर और बॉलर भी जा रहा है, किंग जो है भटक चुका है बाहर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वार्डन और हीलर वगैरह सब कुछ अंदर जा रहा है और एक रेज स्पेल डाला है, मोनोलाइट गाइस बहुत दिक्कत दे रहा है, एक फ्रीज डाल दिया गया है मोनोलाइट के ऊपर। और थोड़ा अंदर जाते ही हम लोगों का वार्डन एबिलिटी आ चुका है। ओके सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आउटसाइड का फनल जो है ना विच और किंग मिल के बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है और इनविजिबिलिटी स्पेल टावर जो है वो बहुत ही ख़राब है स्पेल टावर और एक पॉइजन भी है, इनविजिबिलिटी है बहुत खतरनाक। एनिमी क्लैन के चलते सुपर मिनियंस निकला गाइस और सिंगल इन्फर्नो भी है साथ में, बहुत दिक्कत दे रहा है इस जगह पे। वैसे सिंगल इन्फर्नो डाउन हो चुका है और इधर फ्लेम फिंगर से 33 निकल चुके हैं, किंग ने निकाल दिया बाहर और हीलर जो है कंटिन्यूअसली हील कर रहा है अपना सुपर बोलर को। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, वैसे 80% तक डैमेज हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और देखते देखते ये जो बेस है 90% हो चुका है, 95% हो चुका है और किसी तरह ये जो बेस है हो चुका है अपना थ्री स्टार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।